हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन मेनू बिल्डर बोर्ड। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से मेनू बिल्डर बोर्ड पर जो है हम बटन्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि बटन्स मतलब मैं कौन से बटन्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही कोई भी पर्सन स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आप बटन्स देख रहे होंगे, ये वाले बटन्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं, अगर इनको रीनेम करना हो तो हम कैसे रीनेम कर सकते हैं। एंड अगर ऐसे ही बटन्स के अंदर हमें अगर और भी बहुत सारे बटन्स ऐड करने हैं, जहाँ पे बटन के अंदर बटन ऐसे चलता ही रहे, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आज हम वही सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस में समझाऊंगा एंड सिखाऊंगा कि किस तरीके से वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेमो बता रहा हूँ। जैसे कि कोई भी पर्सन योर सर्विसेज पे क्लिक करेगा तो बहुत यहाँ पे तीन सर्विस आ गई हमारी। एंड अगर कोई सर्विस पे क्लिक करेगा तो उसका कोई भी जो ग्रीटिंग मैसेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी तरीके से आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये वाला चीज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चले जाता हूँ हमारे मेन टेलीग्राम आईडी में, जिस पे मैं आपको डेमो बता रहा था। यस, तो अब हम फिर से हमारे मेन टेलीग्राम आईडी पर आ गए, जहाँ पे मैंने जो लास्ट पार्ट वन वीडियो बनाया था वो वाले आईडी पर। एंड पार्ट वन में हम मैंने आपको सब बेसिक्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी इसकी पोटेंशियल्स है मेनू बिल्डर बोर्ड की, एंड क्या क्या चीज़ें हम जो है मेनू बिल्डर बोर्ड को यूज़ करके कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये कितना अंडररेटेड बोर्ड है, बट आप वो वीडियो देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बटन एडिटर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है बटन एडिटर का, ये वाला। तो आज इसी के बारे में हम कम्प्लीटली बेसिक से एडवांस सीखने एंड समझने वाले हैं। तो बटन ऐड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है। जैसे ही आप बटन एडिटर पर क्लिक करोगे तो आपको बताया देगा, ये पॉपअप दे देगा कि यू आर इन बटन एडिटिंग मोड। एंड यहाँ पे मेन मेनू इसलिए लिखा हुआ आता है कि हमने कोई ग्रीटिंग वगैरह कोई मैसेज वगैरह सेट नहीं किया हुआ है, एंड ये बोर्ड का डिफ़ॉल्ट मैसेज है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए कि मेन मेनू ये सब क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ही बटन एडिटर पर क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऐड बटन, स्टॉप एडिटर एंड पोस्ट एडिटर, यहाँ पे तीनों। तो अभी हमें ये वाला बटन जो है क्लिक करना है। एंड स्टॉप एडिटर मतलब समझ लीजिए कि जब आपका बटन बन जाता है, जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तब हमें जो है स्टॉप एडिटर को यूज़ करना रहता है। एंड उसके बाद में रहता है पोस्ट एडिटर। पोस्ट एडिटर मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भी बटन पे क्लिक करेगा तो कौन सा मैसेज उनको शो होना चाहिए, मतलब जैसे कि किसी ने सर्विसेज पे क्लिक किया तो ऐसा शो होना चाहिए कि यू हैव सेलेक्टेड सर्विसेज, या फिर यू हैव क्लिक्ड ऑन सर्विसेज एंड प्लीज़ सेलेक्ट विच सर्विस यू आर लुकिंग फॉर। तो वो सब अगर मैसेज अगर हमने हमें मतलब सेट करने, तो हम पोस्ट एडिटर को यूज़ करके कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बटन ऐड करते हैं एक, एंड ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे अभी मैसेज आया कि एंटर अ नेम फॉर योर न्यू बटन, तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं बटन वन। ठीक है, जैसे बटन वन हम नाम दे देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा बटन जो है क्रिएट हो गया है। एंड अगर इसके आसपास में आप अगर देखोगे तो ये दो ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो ये दो ब्रैकेट का मतलब ये है कि जब आपके दो या तीन या जब दो से ज़्यादा बटन बन जाते हैं, तो ये शो करने के लिए आपने अभी कौन सा बटन की जो है सेटिंग्स ओपन हुई है, अभी जो भी आप कस्टमाइज करोगे वो उस बटन के अंदर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप अब देखोगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मैसेज आ गए कि रैंडम मैसेज, एंडली एडमिन ओनली, इनविजिबल कैप्चा, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो अभी इन पर हमें कोई ध्यान नहीं देना, ये हम अभी मतलब इतने यूज़ के भी नहीं है, हमें जो है यूज़ के हैं वो ये वाले बटन से नीचे वाले। तो ये बेसिकली इसलिए है कि यहाँ पे आप लेफ्ट एरो देख रहे हो, अपर एरो देख रहे हो, डाउन एरो देख रहे हो, साइड एरो देख रहे हैं, ये स्टार वाला, ये इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी समझ लीजिए कि जब आपके दो से ज़्यादा बटन हो जाएंगे, तो हम अगर हमें कोई पोजीशनिंग देनी है कि ये जो है मेरी सर्विस फर्स्ट नंबर पर रहनी चाहिए, या फिर ये वाला मेरा टेलीग्राम ग्रुप फर्स्ट नंबर पर रहना चाहिए, या फिर मेरी ये वाली बुक, या फिर ये वाला मेरा जो डिजिटल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ जो आपको फर्स्ट नंबर पर शो करनी है, वो आप इन एरोज को क्लिक करके आप उसको बटन को एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर लेना है तो आप ऊपर का बटन दबाइए, ऊपर चला जाएगा, नीचे लेना है तो नीचे का बटन दबाइए, नीचे चला जाएगा। एंड यहाँ पे आप और देखोगे तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट, डिलीट एंड कट। तो ये बेसिकली किसके लिए है कि एडिट मतलब आपको अगर बटन का नाम जो है रीनेम करना है, डिलीट मतलब बटन जो है आपका डिलीट हो जाएगा, एंड कट मतलब अगर वही बटन के ऐसे और अगर बटन बनाने हैं सेम टाइप के तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें कट का फीचर का कोई यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ एडिट और डिलीट ही वैसे काम में आते हैं।
एंड बाकी जो है अभी ऊपर का हमें बटन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बटन का मैं नाम दे देता हूँ कि एक अच्छा नाम दे देते ताकि क्या है कि हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस बटन का मैं नाम दे देता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट। तो अभी हमारे हमें जो है इस बटन का नाम जो है एडिट करना है, बटन वन को। तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया कि एंटर न्यू नो नेम फॉर द बटन, करंट नेम जो है बटन वन है। तो इसका हम नाम दे देते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड गाइज मुझे इमोजीज इमोजीज यूज़ करना बहुत पसंद है, तो इसको भी मैं इमोजी दे देता हूँ ताकि क्या है कि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। अब हो गया डिजिटल बटन, डिजिटल प्रोडक्ट जो है ये वाला बटन सेट हो गया। ऐसे ही हम तीन बटन और भी ऐड करते हैं, फिर इनके अंदर हम बटन के अंदर बटन ऐड करेंगे। तो एक और मैं बटन ऐड करता हूँ, उसका नाम हम सेट कर देते हैं। जैसे फिर से ऐड बटन पर दबाएंगे तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा कि आपको नया बटन का क्या नाम देना है। तो अभी मैं बटन का नाम दे देता हूँ बुक्स। तो बुक के हम फोटो ले लेते हैं, इमोजीज लगा लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया माई बुक्स, यहाँ पे बाय माई बुक्स लिख देते हैं, ओके। ये हमारे बटन टू का नाम है। यहाँ पे तीसरा बटन हम अब ऐड करते हैं। अब यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप्स का हमें लिंक देना है हमारे, तो मैं ये वाले इमोजीज लगा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ जॉइन माई अदर टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है। ये तीसरा बटन हो गया। एंड अब एक लास्ट बटन ऐड करते हैं, कॉन्टेक्ट टीम या फिर कॉन्टेक्ट सपोर्ट करके। तो उसके लिए हम ये वाला इमोजी लगा देते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट टीम लिख देते हैं ताकि वो जो है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, चार बटन ऐड हो गए। अब जो है हम डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर और भी प्रोडक्ट ऐड कर और भी सॉरी डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर हमें और भी बटन ऐड करने हैं। मतलब अभी समझो कि अगर आपके तीन चार पांच जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो वो कैसे हम ऐड कर सकते हैं वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऐड बटन स्टॉप एडिटर और पोस्ट एडिटर किसके लिए है, फिर से मैं बता देता हूँ। ऐड बटन, अगर और भी बटन ऐड करने तो हम बटन ऐड कर सकते हैं ऐड बटन को क्लिक करके। स्टॉप एडिटर मतलब ये जो अभी जो हम बटन ऐड कर रहे हैं वो एडिटर जो है क्लोज हो जाएगा, और जो नॉर्मल जो है जिसे आपको क्लिक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जितने भी बटन बने हुए वो सब आ गए, और अभी हम कुछ भी क्रिएट वगैरह नहीं कर सकते, कुछ भी एडिट वगैरह नहीं कर सकते। अगर हमें फिर से कुछ एडिटर क्रिएट करना है तो हमें फिर से बटन एडिटर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आ गए। अभी एक पोस्ट एडिटर है। पोस्ट एडिटर जैसे मैंने आपको बताया कि जब बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मैसेज शो करना है, कुछ ग्रीटिंग वगैरह मैसेज सेंड करना है, तो वो सब हम कर सकते हैं। तो अभी हम डिजिटल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो ये हमारा बटन है, इस बटन को एडिट करने की सेटिंग आ गई। अगर हमें कोई भी बटन को रीनेम, नेम, अगर कोई नेम चेंज करना है, एडिट करना है उसको, तो वो डायरेक्टली हम एडिट बटन पर क्लिक कर पे कोई भी बटन पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट से वो एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बाय माय बुक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से इसका सेटिंग आ गया। अभी जैसे कि ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप से, नहीं नहीं सॉरी, जो फोर्थ है कॉन्टेक्ट टीम सपोर्ट वाला है, इस बटन को अगर हमें ऊपर लेना है तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपर वाला एरो बटन पे दबाएंगे तो ये देखिए दो साइड में ऐसे आ गए। अगर आपको जैसे तीन भी ऐसे ऐड करने, तो तीन भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल माई बुक्स या फिर उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो बुक वन, बुक टू, बुक थ्री ऐसे छोटे छोटे बटन्स बनाए थे, और डायरेक्ट वो बुक वन पे क्लिक करेगा तो बुक वन की लिंक पे रिडायरेक्ट कराता है, बुक टू पे क्लिक करेगा तो बुक टू की लिंक पे रिडायरेक्ट कराता है। तो उसके लिए भी लोग यूज़ करते हैं। एंड इसको हम थोड़ा सा एक बार और ऊपर लेते हैं तो ये थर्ड नंबर पे आ गया। तो अब हम बटन के अंदर बटन ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पोस्ट एडिटर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम पोस्ट एडिटर पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शंस आ गए। एक तो हमारे जितने भी बटन है वो सारे शो हो गए यहाँ पे कि ये चार बटन आपने क्रिएट किए हुए हैं। अभी आपको कुछ मैसेज सेट करना है, जैसे कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो अगर वो मैसेज सेट करना है तो वो हम यहाँ से कर पाएंगे। एंड पेजिटेशन जो है, अगर आपके तीन चार जितने भी अगर मैसेज ऐसे, अगर उनको भी आपको रैंकिंग देना है कि सबसे पहले ये मैसेज आना चाहिए, सेकेंड पे आना चाहिए, तो वो हम इसको यूज़ करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो अभी हमें मैसेज यहाँ पे तीन से चार ऑप्शन आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो ऐड मैसेज वाला बटन है, एक एक ऐड क्वेश्चंस वाला बटन है, ये पेजिटेशन है जो मैंने आपको रैंकिंग वाला के लिए बताया था, ये पीछे जाने के लिए, ये मेन मेनू अपना बटन एडिटर वाला जो मोड था वो, एंड ये स्टॉप एडिटर। तो
तो अभी हम यूज़ करेंगे ऐड मैसेज को। अगर हमें जब भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो क्या मैसेज शो करना है, उसके लिए हम ऐड मैसेज पर क्लिक करके मैसेज ऐड कर देंगे। एंड ऐड क्वेश्चन जो है बेसिकली उसके लिए है कि इसको आप टू वे कम्युनिकेशन बना सकते हैं। जैसे कि पहले मैसेज सेट कर दीजिए कि मैं आपको बता देता हूँ उसका लाइव की किस तरीके से वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐड मैसेज पर ध्यान देते हैं। ऐड क्वेश्चंस का मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आपको टू वे कम्युनिकेशन क्रिएट करना है तो। अभी हम ऐड मैसेज पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे आ गया कि आप जो हैं क्या मैसेज सेट करना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो कोई मैसेज सेट किया हुआ है कोई दूसरी जगह पे तो वहाँ से फॉरवर्ड कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि यू हैव सेलेक्टेड डिजिटल प्रोडक्ट टैब, काइंडली सेलेक्ट विच प्रोडक्ट यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम बिलो बटन्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैसेज आएगा कि यू हैव सेलेक्टेड डिजिटल प्रोडक्ट्स टैब, काइंडली सेलेक्ट विच प्रोडक्ट्स यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम द बिलो बटन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इमोजी भी दे देते हैं डाउन का। तो अभी जब भी कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो उनको ये वाला मैसेज जाने वाला है। तो वो हमने कैसे ऐड किया, बटन एडिटर पोस्ट एडिटर पर क्लिक करना है सबसे पहले हमें, फिर जो बटन पे हमें ये मैसेज सेट करना है उस बटन पे क्लिक करना है। एंड उस बटन पर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शंस आएंगे ऐड मैसेज, ऐड क्वेश्चंस एंड प्रेजेंटेशन, ये सब वहाँ से हमें ऐड मैसेज पर क्लिक करके ये वाला सेटिंग है कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर समझ लीजिए कि सेम चीज़ यहाँ पे भी आ गया है, ऊपर का आ गया, ये इन्फॉर्मेशन का आ गया, ये डाउन का आ गया है, रिप्लेस डिलीट एंड ऐड का भी यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी समझ लीजिए कि अगर आपको और भी मैसेज ऐड करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। डिलीट करना है मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, और इसी को रिप्लेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बट अभी हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बटन्स के अंदर, और बटन तो सेम बटन्स के अंदर कैसे बटन ऐड करने हैं वो सीखते हैं। एंड उसके बाद में अभी ये तो आप समझ ही गए कि ये सेम चीज़ जो है सभी बटन्स पर अप्लाई होती है। ये सेम चीज़ आप कोई भी बटन को सेलेक्ट करके ऐड मैसेज करके उसको सेट कर सकते हैं, बट बटन के अंदर कैसे बटन ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम बैक पे जाएंगे एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो अभी तक हमारा एडिटर मोड जो है ऑन है। तो इसका मतलब ये है कि हम बटन के अंदर बटन अभी ऐड कर सकते हैं। अगर एडिटर मोड ऑन नहीं होता तो हमें ऑन करना रहता है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप एडिटर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो है हम बटन एडिटर पर क्लिक करेंगे। बटन एडिटर पर क्लिक करने के बाद पोस्ट एडिटर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे हम, एंड उसके बाद में यहाँ पे बटन एडिटर पर क्लिक करेंगे फिर से। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर हम बटन ऐड करेंगे, जो भी बटन हम ऐड करेंगे वो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट 1, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे जो पुराने बटन है वो नहीं दिख रहे, यहाँ पे जो हम नए बटन ऐड कर रहे हैं वो दिख रहे हैं, और ये किसके अंदर सेव हो रहे हैं वो ये जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर, ये इसके अंदर। तो बटन के अंदर कैसे बटन ऐड करना है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पोस्ट एडिटर पर हमें क्लिक करना है, उसके बाद में हमें जो बटन के अंदर बटन ऐड करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे बटन ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंड इसके बाद में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बटन एडिटर करके लिख के आ रहा है ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, तो हमें ये वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे बटन एडिटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया कि हमने प्रोडक्ट 1 करके पहले एक बटन बनाया था तो वो आ गया। अगर और भी बटन ऐड करने तो वो भी कर सकते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे 3 बटन और ऐड करता हूँ, प्रोडक्ट 2, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट 3 एंड सॉरी मेन मेनू पे क्लिक हो गया मुझसे गलती से। फिर से पोस्ट एडिटर पर जाएंगे, बटन को सेलेक्ट करेंगे एंड बटन एडिटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बटन आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट 4। तो ये जो है बटन्स ऐड हो गए हमारे। अभी समझ लीजिए कि आपको प्रोडक्ट 1 के अंदर भी और बटन ऐड करने, तो वो कैसे करेंगे मैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
बाकी जो है हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट वन के अंदर मैं आपको एक दो बटन और ऐड करके बताता हूँ वो कैसे करना है। तो अभी हम प्रोडक्ट वन पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट वन पर क्लिक करने के बाद में हमें पोस्ट एडिटर पर क्लिक करना है। पोस्ट एडिटर पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फिर से प्रोडक्ट वन पर क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पे आप देखोगे बटन एडिटर, हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। अब जो भी हम बटन ऐड करेंगे वो जो है प्रोडक्ट वन के अंदर ऐड होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ PP1, ठीक है। तो अभी ये बटन जो है प्रोडक्ट वन के अंदर ऐड हुआ है। ये चीज़ हम थोड़ा और अच्छे से डीप में सीखेंगे अगले वीडियो में मेरे। तो ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हमने किया है वो पूरा आपको मैं हमारे दूसरी आईडी में जाके बता देता हूँ कि ये किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा बोर्ड जो है आ गया है। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो अभी हमने जो चार बटन ऐड किए थे वो यहाँ पे शो हो गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चारों बटन हमने अभी ऐड किए थे वो यहाँ पे आ गए। एंड हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर चार बटन ऐड किए हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट वन के अंदर एक बटन ऐड किया, तो वो भी देख लेते हैं वो सेट हुआ है नहीं। और हमने एक ग्रीटिंग मैसेज सेट किया था, डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक करते ही शो होना चाहिए कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है टैब, एंड अभी आपको कौन सा बटन जो है या फिर कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है वो नीचे बटन से सेलेक्ट कीजिए। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ गया हमारा ये डेमो मैसेज, जो ग्रीटिंग मैसेज आप बोल सकते हो इसको। एंड इसके बाद में हमारे ये चारों प्रोडक्ट्स भी आ गए। एंड अभी हम प्रोडक्ट वन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोडक्ट वन पर क्लिक करेंगे तो PP1 वाला बटन आ गया है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो बटन का नाम रहता है वही हमें फिर से रिपीट होके आता है। तो ये वीडियो में आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है हमें बटन्स को ऐड करना है मेनू बिल्डर बोर्ड में, एंड किस तरीके से हम बटन के अंदर बटन ऐड कर सकते हैं, कैसे हम ग्रीटिंग मैसेज को सेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा यही बटन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम ग्रीटिंग मैसेज एंड किस तरीके से एडवांस तरीके से हम लिंक को इसमें एम्बेड कर सकते हैं, कैसे हम यूज़र नेम को एम्बेड कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर आपके बोर्ड के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है और कुछ डाउट या क्वेश्चन आए तो वो किस तरीके से डायरेक्ट टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को भी लाइक करें। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।